स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। आज हम जो प्लांट देख रहे हैं वो है पीकॉक जिंजर। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप ये ना कहें कि लगा तो दिया पर इसका अपडेट क्या होगा, तो अपडेट देने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है यूट्यूब में कि इसकी बल्ब को कैसे लगाते हैं, मिट्टी कैसे होनी चाहिए और खाद के बारे में, उसके बारे में जानकारी दिया था। तो आज ये मेरे बल्ब में से निकले न्यू शूट पूरी तरह बड़े हो गए हैं। इसके पत्तों में जो वेरिएशन है कितनी अच्छी लगती है। कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावर लगेंगे और फ्लावर बड़े छोटे होते हैं पर्पल कलर के। फ्लावर से तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी को, पर इनकी पत्तों में जो वेरिएशन होती है इसी के लिए आदमी पसंद करता है इसको। प्लांट तो अच्छा है पर इसकी इतनी डिमांड नहीं है यहाँ पर मैं इसकी प्लांट्स को रखता हूँ पास। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आई जाते हैं, एक दो पीस निकल जाते हैं मेरे। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छा रखता है। जब ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने ये भी बता रखा कि आपको अगर आप इसे धूप में रखेंगे थोड़ा सा कलर चेंज लगेगा आपको। मैं तो अंदर रखता हूँ ये शेड हाउस के अंदर, जहाँ धूप की स्थिति नहीं आती पर उजाला आता है उसका। धूप में तो रखना है पर डायरेक्ट धूप ना पड़े इसमें, ऐसे जगह रखे, नहीं तो ये इसकी पत्ते पूरे जल जाते हैं डायरेक्ट धूप में। एक बार लगाने के बाद इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।